हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं क्विक एंड टेस्टी मटन पुलाव। फ्रेंड्स, परवींस पकवान को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मटन लिया है। मैंने ये हड्डी के साथ मटन लिया है। यहाँ पर हम 4 बड़े चम्मच दही ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, इन्हें रफली चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए है, इसे भी इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। 1 मुट्ठी हरा धनिया लेंगे। यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्ची लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। 10 से 15 लहसुन की कलियाँ लेंगे। खड़े मसालों में मैंने 1 तेज़पत्ता लिया है, इसे इस तरह से आधा आधा तोड़ कर। 1 इंच हम दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। 2 से 3 हम हरी इलायची लेंगे, छोटी इलायची। 4 से 5 हम यहाँ पर लौंग ले लेंगे और 10 मैंने यहाँ पर काली मिरी ली है और 1 छोटा चम्मच शाहजीरा लेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लेंगे। नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से और चावल लेंगे हम यहाँ पर 2 ग्लास। ये मैंने बासमती राइस लिया है, आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। और बाकी की चीज़ें मैं बनाते वक्त दिखाऊंगी, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हरा मसाला तैयार कर लेना है। तो ये हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को चारों को हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, हरा मसाला मैंने पीस लिया, इसे हमें दरदरा पीस लेना है। तो इसे हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं। प्रेशर कुकर में हम 4 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। अब हम इसमें खड़े मसाले मिलाएंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब देखिए, प्याज हमारी यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम ये हमारा हरा मसाला मिला देंगे। अब इसमें हम टमाटर मिला देते हैं। इसमें नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम गोश्त मिलाएंगे। दही भी मिला देते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम जैसे जैसे इसे भुनेंगे तो इसमें हमने जो दही और टमाटर मिलाया है, इससे पानी छूटने लगेगा और गोश्त से भी पानी छूटने लगेगा। अब हम कुकर की लीड लगा देंगे और इसमें 2 सीटी ले लेंगे। अभी देखिए, कुकर में हमने 2 सीटी ले ली है। तो गोश्त हमारा 50% तक गल गया है। अब हम इसमें चावल मिलाएंगे। चावल को धोकर मैं इसमें मिला लूँगी। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे। तो इसमें मैंने 4 ग्लास पानी मिलाया है, 2 ग्लास मैंने चावल लिए थे, चावल का डबल मैंने पानी मिला दिया है। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाएं। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर मिला देते हैं। गरम मसाला पाउडर मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें मिला दिया है। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब कुकर की लीड लगाएंगे और इसमें हम 2 सीटी ले लेंगे। चलिए, कुकर में हमने 2 सीटी ली है। अब इसे खोलते हैं, इसके प्रेशर को ऑटोमेटिक रिलीज होने दें, उसके बाद ही खोलें।
ये देखिए हमारा मटन पुलाव बनकर रेडी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिलीशियस मटन पुलाव बनकर रेडी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।